इस वीडियो में गाइस वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे केमिस्ट्री में मोर देन 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 आप अचीव कर सकते हो बाय फॉलोइंग सिंपल स्ट्रैटेजी। गाइस आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल, आप उस पर भी जाके वेरियस फिजिक केमिस्ट्री बायो की वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम आर्यन राज सिंह, यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम दोनों, राइट। तो गाइस इसमें बात करते हैं कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री आता है, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको क्रैक करना है 35 से ज़्यादा क्वेश्चन, तो आपको थोड़े सिस्टमैटिक अप्रोच रखना होगा, ऑर्गेनाइज करके आपको चलने की जरूरत है, ठीक है। पहले तो जान लो कि यार फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन किस रीजन किस जॉनर से बिलोंग कर रहा है। एक फिजिकल केमिस्ट्री में आपका क्या है कि आपके जो क्वेश्चन है वो है आपके ट्रिकी आ सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, राइट, और फॉर्मूलाज आपको मगअप करना होता है उसमें। आपको बायो का रेटिफिकेशन वहाँ पे नहीं चल पाएगा, आपको थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच दिखानी होती है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन में अटक रहे हैं। तो आपको क्या करना है वहाँ पे एनसीईआरटी अभी आप नहीं फॉलो करो, उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के क्या करो, एनसीईआरटी को फॉलो भी करनी है ना, आपके पास कोई बुक नहीं, उसके सारे फॉर्मूले ब्रेन करके एक जगह लिख लो फिजिकल केमिस्ट्री के, और उसको आप रट लो, और उसके ऊपर आप प्रीवियस क्वेश्चन पहले लगाओ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा हाँ भाई इस क्वेश्चन इस ये टॉपिक से जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसमें अगर आपको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है हाँ तो और उस पर क्वेश्चन लगा सकते हो आप, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन अटक जा रहा है आपका, ठीक। तो इससे आपका फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री की, उसमें मैंने साफ साफ बताया कि कौन कौन से टॉपिक ऑफ 11th एंड 12th फिजिकल केमिस्ट्री के ज़्यादा इंपॉर्टेंट को पहले करने की जरूरत है और किनको बाद में करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ आप एम फॉर एम्स की आप चाहो ना यार, तो एक बुक है लाइक पास्ट 31 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें आप देखोगे कि क्या ट्रेंड रहा है अभी तक फिजिक केमिस्ट्री बायो में और फिजिकल केमिस्ट्री में, इनफैक्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। उसके हिसाब से ना आप अपना कैटेगराइज कर सकते हो, प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को कि कौन से टॉपिक को पहले करना है कौन से बाद में। उसके बाद आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पीएचडी नहीं करना, कोई मोटी मोटी जीआरबी जैसी किताबें नहीं उठानी है, ठीक है। सिंपल क्रिस्प सिंपल नीट एंड क्लीन रखना है। क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी रटना है मैक्सिमम से मैक्सिमम बार, और उसके आप क्वेश्चंस लगा लो। क्योंकि देखो क्या प्रॉब्लम होती है, लोग पढ़ते तो है इनऑर्गेनिक पर उसमें इतना मतलब इतना डेंस है ना एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक कि उससे ना आप पता ही नहीं कर पाते हो कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है रटना, किससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। और सेम गोइंग विथ ऑर्गेनिक, तो आई फाउंड अ बुक यार, इट इज़ बाय डॉक्टर अमित वाजपेयी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई फाउंड इट गुड, उसमें काफ़ी लाइक ना एवरेज अबव एवरेज क्वेश्चंस भी हैं, तो यू हैव गॉट एवरीथिंग कवर्ड इन देयर एम्स के लिए भी और नीट के लिए भी। जिनको प्रॉब्लम है ना स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उनके लिए मेरे को लगता है वो परफेक्ट बुक होगी। और ऐसी और लाइक बुक ऐसे तो नहीं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल जाए, कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे आपके कमिंग नीट पेपर में और इनफैक्ट एम्स में भी, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनऑर्गेनिक का क्या करना है, सिंपल सा एनसीईआरटी रटना है मैक्सिमम से मैक्सिमम बार, ठीक, और उसमें पता करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप ये डॉक्टर अमित वाजपेयी की बुक लगा सकते हो। अब थोड़ा ऑर्गेनिक भी बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो यार क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंटरलेसिंग टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना, आप देखो एक ही पे एमसीक्यू बनता है, एक ही फॉर्मूले पे, ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं, आईटी नहीं है, ठीक है, नीट है। पर यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होगा ना, आपको दिखेगा कि एल्कोहल एल्डिहाइड के साथ मिक्स हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एल्कोहल में, कभी मतलब यू नो नाइट्रोजन जा रहा है आपका, शिफ्ट हो रहा है हेलो एल्केन ग्रुप में, मतलब कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट करना होता है जिसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स की जरूरत होती है। तो अगर आपको इंटरलेसिंग की जरूरत है ना यार, तो वो अचानक से एक दिन में नहीं डेवलप होती है, आपको ओवर टाइम उस पर वर्क करोगे तभी आएगी। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप उसके भी करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेजर माइनर रिएक्शंस, मेजर रिएक्शंस के क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन होते हैं आपको वो मालूम होना चाहिए। मैंने वीडियो में अपने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से मेजर रिएक्शन पे आपको फोकस करना है, कौन से नहीं, ठीक है। तो नेम्ड रिएक्शंस मेजर रिएक्शंस हैं, उनके डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स उनसे बनते हैं, ठीक है। तो उस पर आपको आप थोड़ा ध्यान दोगे ना यार, पहले से प्रिपेयर करके रखोगे, जैसे आपने वो बुक लगा ली तो बहुत अच्छे से आपको आइडिया पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस आते हैं यार और ये इनको पहले करना चाहिए, बाकी को थोड़ा साइड में भी रखेंगे तो मैं इतना तो नंबर ले आऊँगा कि हाँ मेरे ऐसा नीट क्रैक हो जाएगा। और जो सब क्वेश्चंस करेंगे उनके लिए तो मतलब वो बोनस है यार कि ज़्यादा ही नंबर आने वाले तो ज़्यादा मेहनत करेगा, पर इनके साथ आपको मिनिमम मेहनत करनी है। तो अगर आपको पहले से सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो उससे बेटर क्या होगा एंड में, जब आपके पास कम समय और फिजिक्स और आपको बायो भी पढ़ना है एट द सेम टाइम। तो डिस्क्रिप्शन दे रखा है नीचे डॉक्टर अमित वाजपेयी की बुक का, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, उसका प्रीव्यू देख लो, अच्छी लगी तो यू कैन परचेज इट, अप टू यू, पर मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैंने उसको इसकी रिकमेंडेशन दिया। तो इसके थ्रू आप क्या करोगे, 35 अबव आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आपके गारंटीड होंगे केमिस्ट्री में,
थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।